दुनिया को बेहतर बनाने के लिए भारत और डेनमार्क की साझेदारी बहुत अहम है। विशेष रूप से क्लाइमेट चेंज से जुड़ी हमारी चिंताएं भी और हमारे संकल्प भी साझा है। क्लाइमेट को जो नुकसान हुआ है उसमें भारत की भूमिका बहुत नगण्य है। दुनिया को तबाह करने में हिंदुस्तानियों की कोई भूमिका नहीं। हम तो वो लोग हैं जो पौधे में भी परमात्मा देखते हैं। हम वो लोग हैं जो नदी को मां मानते हैं। थैंक यू एक्सलेंसी। इतने व्यस्त समय में भी प्रधानमंत्री जी का यहां करके बैठना, हम सबसे बात करना, ये आप लोगों के प्रति उनका कितना प्यार है उसका ये उदाहरण है। साथियों, मैं आपसे जो बता रहा था कि हम जो भी अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं उससे दुनिया लाभान्वित होती है, लेकिन दुनिया की भलाई के देखते हुए भारत ने वर्ष 2070 तक, जैसा मैंने कहा, हमने दुनिया में इस प्लेनेट को, इस पृथ्वी को बर्बाद करने में हिंदुस्तानियों का कोई रोल नहीं है, हिंदुस्तान का कोई रोल नहीं है। उसके बावजूद भी भारत ने वर्ष 2070 तक नेट जीरो का संकल्प लिया है। भारत दुनिया के उन चंद देशों में है जो इस दिशा में किए गए अपने कमिटमेंट को समय से पहले पूरा कर रहा है। नॉन फोसिल सोर्सेज से 40% इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का जो लक्ष्य हमने रखा था, और लक्ष्य में हमारा डेडलाइन था 2030, अभी तो 2030 काफी दूर है, लेकिन उस काम को हमने 9 साल पहले ही पूरा कर लिया जी।